योगा जो है वो सिर्फ आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ आपकी लाइफ के लिए, लाइफ स्किल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम डेज मनाते हैं वो इसीलिए मनाते हैं ताकि हमें एटलीस्ट साल में एटलीस्ट याद तो रहे कि हमें जो है वो अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देना है। और योगा सिर्फ फिजिकली फिट होने की चीज़ नहीं है, योगा मेंटल फिटनेस के लिए भी है। तो इसी तरीके से हमारा जो ये एक एफर्ट रहता है, डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा एफर्ट रहा है कि हम हर स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये जो है डेज मना रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे उनकी असेंबलीज हों उसमें भी बच्चों से ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हफ्ते में एक बार जो है वो ड्रग एडिक्शन पे और करियर काउंसलिंग पे जो है उन टॉपिक्स पे जोर दिया जाए असेंबलीज में भी, ताकि ये एक रेगुलर फिनोमिना बने और बच्चे जो है वो गलत चीज़ों से हट के वो फिजिकल फिटनेस में आए। जो बच्चा फिजिकली फिट होगा वो एंटी सोशल या एंटी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्शन उसकी तरफ कम जाए। योगा का मतलब ये है हाउ यू आर गोइंग टू कंबाइन ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड आई बिलीव कि इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू जस्ट फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे। लेट इट कंटिन्यू एंड लेट एवरीबॉडी बी हेल्दी। आई विश एवरी बॉय एवरी गर्ल बी हेल्दी इन हर अप्रोच एंड सो दैट ही और शी बिकम्स अ वेरी गुड सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। आज 8th है जिसका जो आज थीम था वो था ह्यूमैनिटी पे। तो इस योगा डे पे था ये था कि टुवर्ड्स द फिटनेस, इट्स अ मूव टुवर्ड्स द फिटनेस, मतलब कैसे फिट रहना है, कैसे आप गोल्स अचीव कर सकते हो अपने फिट रहने से, अपनी सेहत को ठीक रखने से। योगा हमारी माइंड को काम करती है और हमें एक अच्छा मतलब अच्छा हमारा बिहेवियर अच्छा करती है।